Hi everyone, welcome to Brudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO5 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन. और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली दिसंबर 2015 एग्जाम्स में पूछा गया था 20 मार्क्स में. एंड इस न्यूमेरिकल के थ्रू आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाल सकते हैं, कैसे ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं, कैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ समझ में आए. और अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए. ओके, तो मिशन जो है हमारा दैट इज 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम. सो आई हैव इंक्लूडेड मेनी वीडियोस फॉर दैट. आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको जरूर देख लीजिएगा अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं. और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिनको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम होती है, जिससे कि अगर इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में तो वो इजीली अटेम्प्ट कर पाए. ओके, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 बेसिकली पॉइंट्स हैं जो कि आपसे पूछे गए हैं. तो वन बाय वन लेट्स डिस्कस. एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली फ्यूचर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले एंड देन आफ्टर विल स्टार्ट सॉल्विंग आउट द पॉइंट्स वन बाय वन. क्वेश्चन है, LMW लिमिटेड अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी फर्निशेस द फॉलोइंग डेटा. तो कंपनी का नाम है LMW लिमिटेड और ये क्या है, एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है. कुछ डेटा दे रखी है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स में आपको डेटा है सेल्स और दूसरी है टोटल कॉस्ट रुपीज में आपका अमाउंट होगा. पीरियड वन की डेटा है जिसमें सेल्स है 45,000 और टोटल कॉस्ट है 40,000 रुपीज. पीरियड टू में आपकी जो सेल्स का अमाउंट है दैट इज रुपीज 50,000 एंड टोटल कॉस्ट इज रुपीज 43,000. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मेंशन. एंड गाइज, एक चीज और, अगर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें तो पहले पढ़ लीजिएगा हर पॉइंट को, समझ लीजिएगा और लगता है कि अगर आप सॉल्व कर सकते हैं देन ओनली चूज न्यूमेरिकल. क्योंकि अगर थोड़ी भी गलती करी तो पूरे मार्क्स कट जाएंगे आपके, कोई भी आपको यू नो पॉइंट वाइज मार्किंग नहीं मिलेगी. आंसर सही है तो फुल मार्क्स, नहीं है तो मार्क्स कटेंगे उस चीज के. अज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड दैट फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इक्वली इन टू पीरियड्स, कैलकुलेट द फॉलोइंग. तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि दोनों ही पीरियड्स में आपकी ना तो कोई प्राइस में चेंज हुआ ना ही वेरिएबल कॉस्ट में, और जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं दोनों पीरियड के लिए वो इक्वल है. यानी कि अगर पीरियड वन में हमने मान के चलते हैं 5,000 रुपए फिक्स यू नो एक्सपेंस किए हैं, अगर फिक्स कॉस्ट के तौर पर हमने 5,000 रुपए पीरियड वन में खर्च करे हैं तो सेम अमाउंट हमने पीरियड टू में भी खर्च करा है. एंड दैट इज एन एग्जांपल व्हिच आई एम गिविंग यू. जो एक्चुअल अमाउंट होगा दैट वुड बी डिफरेंट, तो वो भी हमें निकालना है जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है. तो सबसे पहले पॉइंट में हमसे पूछा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. तो हम जानेंगे कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन में हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाल सकते हैं. आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला भी दूंगा और किस तरीके से सॉल्व करते हैं दैट इज आल्सो आई विल लेट यू नो. सेकंड पॉइंट है हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस, हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने होंगे. फिर हमें कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट और उसके बाद हमें निकालना है परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू सेल्स इन पीरियड टू. ध्यान दीजिएगा पीरियड टू के बारे में स्पेसिफिकली पूछा है, पीरियड वन के बारे में नहीं पूछा. तो यहाँ पर आपको परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है सेल्स पर पीरियड टू के लिए. और लास्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000. तो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी वो ये वाला पॉइंट बहुत ही इजीली कर सकते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. जिनको अटेम्प्ट करना है वीडियो भी पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाद में आंसर्स चेक कर सकते हैं. और जिन लोगों को नहीं आता इन कॉन्सेप्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है देन दे कैन वॉच माई वीडियो फर्दर एंड आई हैव गिवन द डिटेल्ड सॉल्यूशन. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको. तो वर्किंग नोट में सबसे पहला जो कॉलम है उसमें डिटेल्स हैं, दूसरे में सेल्स हैं, तीसरे में है आपकी टोटल कॉस्ट और फिर आखिरी में आता है प्रॉफिट. प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देना है. यहाँ पर डेटा आपको दे रखी है पीरियड टू की, फिर है पीरियड वन की और क्या चेंज आया पीरियड टू से पीरियड वन में, तो वो आपको नेक्स्ट कॉलम में है. तो सेल्स की डेटा पीरियड टू के लिए है 50,000 और पीरियड वन के लिए है 45,000. कितना चेंज आया, बेसिकली 5,000 का चेंज आया पीरियड टू से पीरियड वन में. नाउ बात करेंगे टोटल कॉस्ट की. तो टोटल कॉस्ट पीरियड टू में लगी 43,000 और पीरियड वन में लगी थी 40,000. कितना चेंज है, 3,000 का दोनों डेटा में. और नाउ अब प्रॉफिट की बात करेंगे. तो जैसा फॉर्मूला है सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट गिव्स आउट प्रॉफिट.
वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है। 50,000 में से 43,000 माइनस कीजिए, आंसर वुड बी 7,000। 45,000 में से 40,000 माइनस कीजिए, आंसर वुड बी 5,000। और यहाँ पर प्रॉफिट के बीच में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज 2,000। तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे वर्किंग नोट्स के। अब आगे इनको यूज करना है हमें अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में, तो पे अटेंशन। हर एक डेटा का हम यूटिलाइजेशन करेंगे जस्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। नाउ चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आ गया है आपके पास, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, विच इज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो जब आप चेंज इन प्रॉफिट जो हो रहा है उसमें आप चेंज इन सेल्स से डिवाइड कर देंगे उसको, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है आपका, 2,000 रुपीज का, और चेंज इन सेल्स है बेसिकली 5,000। तो 2,000 को आपको डिवाइड करना है 5,000 से, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपका मिल जाएगा 0.40। ओके, फॉर्मूला याद रखिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बराबर चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। तो जब भी कोई दो पीरियड्स के बीच की डेटा दे रखी होगी तो उसमें आपको क्या करना है, जो डेटा के बीच में चेंजेस आ रहे हैं यानी कि प्रॉफिट और सेल्स के बीच में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, उससे आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मिल जाएगा आपका। ओके, सो गाइज पार्ट ए आई एम श्योर कि क्लियर होगा आप सभी को। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द पार्ट बी। पार्ट बी में अब हम डिस्कस करेंगे फिक्स एक्सपेंसेस के बारे में कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में हम अपने फिक्स एक्सपेंसेस को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला बताऊंगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो जब आप सेल्स को, जब आप कॉन्ट्रीब्यूशन को बेसिकली सेल्स से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला विच यू कैन यूज टू फाइंड आउट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। बट अभी हम यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन का रिक्वायरमेंट, यू नो, कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हम अपना फिक्स कॉस्ट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। तो दो डेटा मिलने के बाद तीसरी बहुत इजिली मिल जाती है, जैसा कि मैथ्स में आपने ऑलमोस्ट पढ़ा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे ऐसा किया भी होगा। तो नाउ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पीरियड टू की डेटा के साथ में। तो पीरियड टू के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन क्या, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, आपने जैसा देखा यहाँ पर 0.40, दैट इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फॉर्मूला जो यूज किया था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो यहाँ पर जो हमारी डेटा थी हमने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की यूज करी 0.40। उसके बाद में जो सेल्स की डेटा है हमारी पीरियड टू के लिए, दैट इज 50,000 रुपीज दैट वी हैव यूज हियर। और उसके बाद में हमारा जो आंसर आ गया दैट इज ₹20,000। अब ये 50,000 कैसे आया, कहाँ से आया, तो ये देख लीजिए, पीरियड टू में सेल्स की डेटा है 50,000, दैट इज वॉट वी हैव यूज हियर, दिस इज सेल्स। नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया 20,000 का, फिक्स कॉस्ट हमें पता नहीं है तो हम इसको एफ सी लिख देते हैं, प्रॉफिट हमें पता है, हमारा जो पीरियड टू के लिए प्रॉफिट है दैट इज 7,000। हमने यहाँ पर 7,000 यूज किया और उसके बाद में ये जो प्लस डेटा है हमने वहां पर फॉरवर्ड कर दी, तो एफ सी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 20,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 13,000। तो पीरियड टू के लिए जो हमारी फिक्स कॉस्ट है दैट इज अबाउट 13,000 रुपीज। और जैसा कि क्वेश्चन में आपसे बोला था और जैसा मैंने आपको बताया था, पीरियड वन में जो हमने फिक्स कॉस्ट खर्च करी है वही पीरियड टू में होगी। तो सेम थिंग कैन बी अप्लाइड हियर, पीरियड टू की जो फिक्स कॉस्ट है वही पीरियड वन में भी अप्लाइड होगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंस जो कि पीरियड वन के लिए होगा वो भी 13,000 ही रहेगा। लेकिन हम सॉल्व करेंगे क्योंकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये डेटा अलग अलग हो देन यू हैव टू सॉल्व इट। तो हम अभी अपनी वही प्रैक्टिस रखेंगे, विल नॉट यू नो यूज द शॉर्टकट। इफ यू वॉन्ट यूज इट इन द एग्जाम गिव द स्पेसिफिक रीजन एंड यू कैन डू दैट। तो नाउ पीरियड वन के लिए अब हम निकाल लेते हैं अपने फिक्स एक्सपेंस। सेम कंट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला यूज कीजिए, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है दैट इज 0.40 और हमारी जो पीरियड वन की सेल्स है दैट इज 45,000। ओके, पीरियड वन की जो सेल्स है दैट इज 45,000 और प्रॉफिट कितना है ध्यान रखिएगा 5,000। तो हमारा जो आंसर निकला कॉन्ट्रीब्यूशन का दैट इज 18,000। अब फिक्स कॉस्ट का हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कैसे निकाला, अभी जो ये फॉर्मूला था बेसिकली हमारा कंट्रीब्यूशन वाला, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसको हमने क्या करा, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट निकालनी है, प्रॉफिट अवेलेबल है, प्लस की वैल्यू वहां जाके माइनस की हो जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट।
तो वही फॉर्मूला अब हमने यहाँ पे डायरेक्टली पोर्ट्रे कर दिया है। तो फिक्स कॉस्ट बराबर कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है 18,000, प्रॉफिट है 5,000, माइनस करके हमारा सेम आंसर आ गया 13,000। ओके, तो जल्द से नोट डाउन, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए एंड फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इन टोटल 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो गाइस लाइक कीजिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में इसको। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है हमारे पार्ट सी में, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन जहां पर ना तो आपका कोई प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट सिचुएशन। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे उसकी। तो उसके लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। जब फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। तो दिस इज वॉट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे ध्यान दीजिए। और किस चीज का फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का। ओके, तो नेक्स्ट आपको दे रखी है यहाँ पे, अब हम डेटा पुट कर देंगे अपने फॉर्मूला में। तो फिक्स कॉस्ट की जो वैल्यू हमने निकाली पार्ट बी में 13,000, और पार्ट ए में हमने निकाली थी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की वैल्यू विच इज अबाउट 0.40। तो ब्रेक इवन पॉइंट की अगर हम वैल्यू करें फाइनली तो हमारी निकल के आएगी 32,500। ओके, तो आई एम श्योर कि ये भी आपको पॉइंट समझ में आ चुका होगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी का ही हम यहाँ पर यूज करेंगे टू फाइंड आउट दी ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट की जो वैल्यू निकलेगी वो हेल्प करेगी हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट करने में। तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको अगर कोई भी टॉपिक पे क्लैरिटी नहीं है तो क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू कितनी निकली, 32,500, जस्ट रिमेम्बर दैट। नाउ अब बात करेंगे अपने पॉइंट डी की, जिसमें हम निकालेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। और इसमें परसेंटेज निकाली है, बेसिकली परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू सेल्स इन पीरियड टू। तो पीरियड टू में आपकी बेसिकली कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगी और उसका कितना परसेंटेज रहेगा सेल्स पर, लेट अस फाइंड इट आउट। ओके, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला याद रख लीजिए, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट की जो वैल्यू है वो। तो जब आप एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू माइनस कर देंगे तो उस केस में आपको मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्चुअल सेल्स है पीरियड टू के लिए 50,000 और ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कितना निकला है, दैट इज 32,500। ओके, तो 32,500 हमारा निकला ब्रेक इवन पॉइंट और एक्चुअल सेल्स है पीरियड टू के लिए 50,000, फाइनल आंसर है 17,500। तो हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कौन से पीरियड के लिए, फॉर पीरियड टू, ठीक है। तो पीरियड टू के लिए जो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो निकली कितनी, यहाँ पर 17,500। अब आगे हम जाके सॉल्व करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर फिनिश नहीं होगा, हमें निकालनी है परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू सेल्स। तो सेल्स पर निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना है, परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू सेल्स निकालने के लिए जो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी उसकी वैल्यू डिवाइड करेंगे उसको आप सेल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 100, इससे आपको परसेंटेज मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला वुड बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 विल गिव आउट द परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू सेल्स। ओके, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू है 17,500 और हमारी जो सेल्स की वैल्यू है दैट इज 50,000 फॉर पीरियड टू, मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, आंसर वुड बी 35%। ओके, 35% यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि उसकी वैल्यू होगी आपको वहां पर लिखनी है, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में परसेंटेज अगर निकालनी है आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू सेल्स, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू होगी वो यूज कीजिए, डिवाइड कर दीजिए उसको सेल्स से और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको 100 से। तो आपको जो बेसिकली आपका परसेंटेज है मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू सेल्स वो मिल जाएगा। तो अभी हमारा कितना निकला, मार्जिन यू नो परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू सेल्स विच इज 35%। ओके, तो गाइज एक बार हो सके तो अपने एंड से भी आप यू नो सॉल्व कीजिएगा इस वीडियो के बाद में, और अगर आप नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने हाथ से तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी पॉइंट्स में। नाउ जो हमारा लास्ट पॉइंट है अभी स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें डिस्कस करेंगे सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। तो 10,000 का अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम क्या रहेगी, कितनी सेल्स वॉल्यूम आपको चाहिए अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है 10,000 का।
तो उस सिचुएशन में अगर हम बात करें, अगर हमें 10,000 का प्रॉफिट अर्न करना है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आई रिपीट, अगर आपको कोई भी रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम निकालनी है किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, तो फॉर्मूला वुड बी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। वन मोर टाइम, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अभी हम क्या करेंगे, डेटा पुट कर देंगे, हमें निकालना कितना है, 10,000 का प्रॉफिट। तो डिजायर्ड प्रॉफिट इज 10,000, फिक्स कॉस्ट इज 13,000, जो कि हमने पार्ट बी में निकाला। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमने फाइंड आउट करा है पार्ट ए में। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको, विच इज 57,500। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू आई 23,000, और 23,000 को आपको क्या करना है, 23,000 को डिवाइड कर देना है 0.40 से, 0.40 से डिवाइड कर देना है। 0.40 के लिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। 100 के लिए यहाँ से जीरो कैंसिल, आपका 2 2 जो 4 हो गया, 2 5 जो 10 हो गया, बाकी का इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जो 2, 2 1 जो 2, 2 5 जो 10, ठीक है, 2 5 जो 10, 0 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, आंसर आपको मिल जाएगा 57,500। ओके, तो गाइज आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते थे, ऑल द पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड। आगे अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरी हेल्प कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने एग्जाम्स क्लियर कर पाएँ, तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए ये वीडियो। आप अपने फेसबुक पेज पे चाहे वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, इंस्टा पे हैं तो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अगर ट्विटर पे है तो वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। वेयर एवर यू वांट यू कैन जस्ट शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो दैट इट कैन हेल्प मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, कुछ नया सीखेंगे। तब अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।